ये रुपे क्रेडिट कार्ड्स का जो लैंडस्केप है काफी तेजी से चेंज हो रहा है। पिछले साल तक वी हैड 8 to 10 रुपे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस विद इन द इकोसिस्टम, बट नाउ विद इन 1 year वी हैव मोर देन 50 रुपए क्रेडिट कार्ड इन द मार्केट एंड ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई बैंक अपना रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है। अब रुपे क्रेडिट कार्ड की जो ऑफरिंग्स है वो भी बेटर हो गई है, जैसे कि लाउंज एक्सेस, डाइनिंग ऑफर्स, मर्चेंट ऑफर्स एक्सेट्रा। सो इट मेक्स सेंस कि आपके पास भी एक रुपे क्रेडिट कार्ड हो, लेकिन अभी भी हम यूजर्स को यह एडवाइस देते हैं कि प्राइमरी कार्ड को रुपे क्रेडिट कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव रुपे क्रेडिट कार्ड एज अ सेकेंडरी कार्ड। बट ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि मार्केट में अच्छे रुपे क्रेडिट कार्ड्स कौन से हैं। हमने इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स, मिड रेंज कार्ड्स एंड प्रीमियम कार्ड्स। सबसे पहले देखते हैं प्रीमियम कार्ड्स। सबसे पहले रिकमेंडेशन हमारी इस कैटेगरी में होगी HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी। इस कार्ड की एनुअल फीस 1500 प्लस GST। ऑल्सो 1500 की ज्वाइनिंग फीस देने के बाद आपको 1500 टाटा न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं। 1 new coin इज इक्वल टू 1 rupees ऑन दी टाटा न्यू ऐप। ऑल्सो ये जो एनुअल फीस है 1500 की, इसको आप वेव ऑफ करा सकते हो अगर आप एक साल में 3 lakh से ज्यादा स्पेंड करते हो यूजिंग दिस कार्ड। एक सीक्रेट है जिससे आपको एक कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है, जो कि हमें बी किफायती कम्युनिटी में पता चला। वहां पर किसी ने सीक्रेट को रिवील किया जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अगर आप टाटा न्यू ऐप पे रेगुलरली स्पेंड करते हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाए। इस कार्ड पे जो लाइफ टाइम वाली ऑफर है फ्रीक्वेंटली आती रहती है। इस कार्ड में आपको टाटा पार्टनर ब्रांड्स पे 5% तक का कैशबैक और नॉन टाटा पार्टनर ब्रांड्स पे 1.5% का कैशबैक मिल जाता है। साथ ही साथ आपको UPI स्पेंड्स पे 1.5% का रिवॉर्ड रेट मिलता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम 500 rupees पर मंथ की कैपिंग है। साथ ही साथ आपको मिलता है 8 domestic एंड 4 international लाउंज एक्सेस। ऑल्सो यू गेट 1 crore का एक्सीडेंटल एयर डेथ कवर एंड 15 lakh का ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी फ्री में। अब बढ़ते हैं इसी कैटेगरी की सेकंड कार्ड के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है ICICI रूबिक। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस इज 3000 rupees प्लस GST एंड एनुअल फीस इज 2000 rupees प्लस GST। ये जो 3000 की ज्वाइनिंग फीस है, इसके बदले में आपको मिलता है 5000 rupees के ट्रैवल एंड शॉपिंग वाउचर्स एज अ वेलकम गिफ्ट। एंड दिस एनुअल फीस कैन ऑल्सो बी वेव्ड ऑफ बाय स्पेंडिंग 3 lakh rupees इन अ ईयर। ऑल्सो इस पे आपको दोनों आईनॉक्स एंड बुक माई शो पे 25% का ऑफ मिलता है ऑन 2 movie tickets अप टू 150 rupees का आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको मिलता है 2 domestic airport एंड 2 railway लाउंज एक्सेस। लेकिन एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए आपको उस क्वार्टर में 5000 rupees स्पेंड करने पड़ेंगे, तभी आप उसको अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ यू गेट 2 complimentary गोल्फ लेसन्स इन अ मंथ, बट अगेन इन दैट पर्टिकुलर मंथ यू विल हैव टू स्पेंड 5000 rupees यूजिंग दिस कार्ड। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है मिड रेंज क्रेडिट कार्ड्स की। दीज आर द कार्ड्स विच कम विद अ लो एनुअल फीस बट आर स्टिल वर्थ इट। इसमें हमारा सबसे पहला पिक वुड बी कोटक मिंत्रा रुपे। इस कार्ड की एनुअल एंड ज्वाइनिंग फीस दोनों ही 500 rupees प्लस GST है। ज्वाइनिंग फीस पे आपको 500 rupees के मिंत्रा के शॉपिंग वाउचर्स मिल जाते हैं एज अ वेलकम गिफ्ट। एंड रही बात एनुअल फीस की, वो आपका वेव ऑफ हो सकता है अगर आप एक साल में 2 lakh rupees स्पेंड करें। एज अ नेम सजेस्ट, कोटक मिंत्रा रुपे। मिंत्रा पे शॉपिंग करने पे आपको 7.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन पे आपको मैक्सिमम 750 का ही कैशबैक मिल सकता है। साथ ही साथ जो प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं जैसे कि स्विगी, इंस्टामार्ट, पीवीआर, क्लियर ट्रिप, अर्बन कंपनी, इन सब पे आपको 1.5% का कैशबैक मिल जाता है, बट दैट इज लिमिटेड टू 1000 rupees पर मंथ। इसके साथ साथ UPI ट्रांजैक्शंस पे आपको 1.25% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, विच इन माई ओपिनियन इज क्वाइट डीसेंट। बाकी आपको इसके साथ मिलता है 1 complimentary डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, मिंत्रा इनसाइडर मेंबरशिप, फ्यूल सरचार्ज वेवर एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट पिक इन दिस कैटेगरी वुड बी HDFC टाटा न्यू प्लस। दिस कार्ड इज ऑल्सो सिमिलर टू HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी, द सेम कार्ड विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीमियम कैटेगरी, बट ऑब्वियसली इसके जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े कम हैं। टाटा न्यू इन्फिनिटी में आपको टाटा न्यू ऐप पे 5% का कैशबैक मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको टाटा न्यू प्लस में आपको 2% का ही कैशबैक मिल रहा है। ऑल्सो नॉन टाटा ब्रांड्स पे आपको 1% का कैशबैक मिल रहा है, UPI स्पेंड्स पे आपको 1% का कैशबैक मिल रहा है, एंड दैट इज कैप टू 500 rupees इन अ मंथ। अब ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स कम है तो उसकी एनुअल एंड ज्वाइनिंग फीस भी कम ही होगी, जो कि है सिर्फ 500 rupees प्लस GST। टाटा न्यू इन्फिनिटी में दिस वॉज 1500 rupees प्लस GST। ज्वाइनिंग फीस में आपको सेम वैल्यू के टाटा न्यू के वाउचर्स मिल जाते हैं, एंड एनुअल फीस को वेव ऑफ कराने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड मिनिमम ऑफ 1 lakh इन अ ईयर।
Our third pick in this category would be SBI Simply Save. इस कार्ड का भी जो joining and annual fees waiver का जो structure है वो एकदम HDFC Tata New Plus की तरह है. इस कार्ड का normal reward rate is 0.17%, लेकिन इस कार्ड में आपको dining, movies, departmental store and grocery store पे 10 times rewards यानी कि 1.7% का reward rate मिल जाता है, which is pretty decent. Also अगर इस कार्ड पे आपने पहले 60 days में 2000 rupees spend करे तो आपको 2000 reward points मिल जाते हैं, which is equivalent to 500 rupees. Our last pick in this category is HDFC Money Back Plus. इस कार्ड की annual and joining fees is 500 rupees plus GST. Joining fees देते ही आपको 500 rupees के cash points मिल जाते हैं. And अगर आप एक साल में 50,000 से ज्यादा spend करते हो तो आपकी जो annual fees है वो भी waive off हो जाती है. So technically कार्ड आपके लिए free सा ही हो जाता है. इस कार्ड का वैसे तो नॉर्मल रिवॉर्ड रेट इज 0.18%, लेकिन इसका जो USP है दैट इज 10 टाइम्स रिवॉर्ड्स, यानी कि आपको 1.8% का रिवॉर्ड रेट मिल जाता है ऑन एप्स लाइक Amazon, बिग बास्केट, Flipkart, Reliance सुपर, स्मार्ट स्टोर एंड Swiggy. अब यार आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा इन ऐप्स पे काफ़ी खर्चा होता है, तो मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है. अब आप कहेंगे यार ऐसे बहुत सारे और क्रेडिट कार्ड्स हैं जो इन ऐप्स पे 5% का कैशबैक भी ऑफर करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रुपए क्रेडिट कार्ड नहीं है. UPI स्पेंस में आपको नॉर्मल रिवॉर्ड रेट मिलता है एंड दैट इज ऑल्सो कैप टू 500 rupees इन अ मंथ. चलिए अब टाइम आ गया है हमारी लास्ट कैटेगरी, विच इज़ दी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की कैटेगरी. मुझे पता है इस कैटेगरी का आपको बेसब्री से इंतजार है. सब जानना चाहते हैं इस कार्ड्स के बारे में कि कौन से हैं वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स. बट द प्रॉब्लम इज कि यार इतने सारे हैं रुपए क्रेडिट कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री कैटेगरी में एंड सम ऑफ देम आर रियली गुड. बट इफ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू यू अबाउट दोज डीसेंट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दैट ऑन द बी किफायती कम्युनिटी. इनफैक्ट नॉट जस्ट अस, और भी जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर, उन्होंने अच्छे अच्छे लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड्स रिकमेंड किए हैं. उस थ्रेड का जो लिंक है वो हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कम्युनिटी पे क्या क्या डिस्कशन हो रहा है और आपके लिए कौन कौन से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड सजेस्ट किए गए हैं. टिल देन बी किफायती.